तो हेलो गाइस, की हालचाल बढ़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले यहाँ पे GTA 5। और गाइस आज हम भाई अपने इंडियन कार से यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं करने वाले हैं। गाइस आज हम भाई अपने इंडियन ट्रैक्टर से यहाँ पे चैलेंज करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, आज जो है भाई बहुत सारे मैं इंडियन ट्रैक्टर को यहाँ पे लेके आया हूँ। और गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना भाई थोड़ा हटके भी करा जाए, क्योंकि इंडियन कार से हम तो रेगुलरली वीडियो बनाते हैं। मैंने सोचा आज चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो गाइस आज हम भाई अपने ये सारे के सारे जो इंडियन ट्रैक्टर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनसे जो है भाई वाटर प्लस स्पीड में हम चैलेंज करने वाले हैं। एंड चैलेंज भी काफी हार्ड रहने वाला है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्पीड बम्प्स हैं, और उनके बीच में जो है यहाँ पे भरा है बहुत सारा पानी, जो कि बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समुद्र की जो लहरें हैं वो भी काफी बड़ी बड़ी आ रही है गाइस। एंड जैसे तैसे करके अगर अपने जो ट्रैक्टर होने वाले हैं गाइस, वो अगर इस पूरे के पूरे स्पीड बम्प को पार कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद उनको जो है भाई ये वाला रैंप यहाँ पे क्लाइंब करके पहुंचना है ये वाले फिनिश पॉइंट तक। एंड गाइस देखते हैं भाई यहाँ पे अपना कौन कौन से जो इंडियन ट्रैक्टर रहेंगे वो उस खतरनाक से चैलेंज को पूरा करने वाले हैं। एंड बाकी फटाफट से मैं गाइस आप लोगों को अपने जो आज के ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस जो अपना फर्स्ट ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना जॉन डीरे का 5310, एंड उसके बाद है गाइस अपना स्वराज का 744 FE, और उसके बाद में ये शायद अपना महिंद्रा का 855 है शायद, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वाला है, और नॉर्मल वाला भी है अपने पास में। एंड उसके बाद है गाइस अपने पास में महिंद्रा का अर्जुन नोवो, और देख सकते हो ये है गाइस अपना नोवो। एंड उसके बाद है स्वराज का 855, ये FE है और ये वाला मॉडिफाइड वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद है HMT का 5911, फिर है गाइस अपना फॉर्मेटिक्स का 60, और उसके बाद है गाइस ये जो है अपनी बाहर की कंट्री का ट्रैक्टर है, इसका नाम गाइस आप लोग देख सकते हो बड़ा अजीब नाम है, मैसी फॉर्जेसन करके है। और गाइस उसके बाद है गाइस अपना सोनालिका का DI-60 RX, एंड फिर है अपना फोर्ड का 3600, और उसके बाद है गाइस अपना हॉलैंड का 3630, मतलब काफी अजीब अजीब नाम है। तो मेरे को हो सकता है थोड़े बहुत मैंने नाम यहाँ पे गलत बोल दिया, तो आप लोग जस्ट उसको इग्नोर कर सकते हो। तो गाइस आज हम इन सभी ट्रैक्टर से जो है भाई अपना चैलेंज करने वाले हैं, और देखने वाले हैं अपना कौन कौन सा ट्रैक्टर जो है भाई आज इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा। एंड बाकी यार गाइस एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को पहले ही बोल दूं यार, मतलब पता नहीं बोलूं या नहीं बोलूं, मेरे को तो थोड़ा भाई अजीब लग रहा है, बट गाइस क्या करें यार बोलना पड़ रहा है। तो गाइस आप लोगों को याद होगा अभी बीच में छोटा सा एक पंगा हो गया था, और वो पंगा ये था कि भाई कंटेंट को कॉपी लेके। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हो कि तुम्हारा भाई एकदम न्यूली कंटेंट लेके आया है। और गाइस जो भी भाई तुम्हारे भाई का कंटेंट कॉपी करे, तो आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में भाई बता देना कि ये जो कंटेंट है वो यहाँ पे भाई कौन लेके आया है। एंड बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो भाई अपना शुरुआत का जो सबसे पहला ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना भैया यहाँ पे जॉन डीरे। एंड जॉन डीरे तो वैसे काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है भाई, अब देखते हैं ये कर पाता है नहीं। गाइस क्या लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है लिटरली ये कर जाएगा। ओके पहला वाला काफ़ी ईजिली पार कर गया है, दूसरा वाला भी बहुत आराम से। यार गाइस ट्रैक्टर तो मेरे को लग रहा है पानी में सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि पानी इन लोगों के लिए भाई नॉर्मल चीज़ है यार, पानी वानी में चलना तो इनका भाई दिन रात का काम होता है। और देख सकते हो गाइस अपना जो जॉन डीरे है वो क्या ही बेहतरीन जा रहा हो, पानी की वेव देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी लहरों को भाई चीरते हुए भाई अपना जॉन डीरे यहाँ पे आगे बढ़ रहा है गाइस। और देख सकते हो यहाँ पे अपना ट्रैक्टर यहाँ तक तो आ गया है, और क्या ही चढ़ रहा है, स्पीड देख सकते हो गाइस काफी ठीक ठाक है, मतलब ट्रैक्टरों की स्पीड ज्यादा नहीं होती आप सभी को पता ही होगा, बट हाँ इनके अंदर पावर जो होती है ना भाई वो भाई किसी गाड़ी के अंदर नहीं हो सकती, मतलब कितनी पावर होती है सोचो भाई, क्विंटलों से मतलब टनों से ये वजन खींचते हैं। तो पावर के मामले में नो डाउट मतलब ये इनका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है। एंड बाकी देख सकते हो गाइस जो अपना जॉन दे रहे हैं वो तो अपना चैलेंज कर चुका है, एंड बाकी देखते हैं अगला जो अपना ट्रैक्टर रहता है वो यहाँ पे कर पाता है या नहीं। गाइस जो अपना अगला ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना स्वराज का 744 FE, और भैया ट्रैक्टर तो काफी बढ़िया बनाया है जिसने भी बनाया है, देख सकते हो पीछे भाई पूरा म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा के दिया है, और दिखने का भी काफी कूल लग रहा है, और टायर वगैरह भी देख सकते हो भाई एकदम पूरे मॉडिफाइड वाले डाल रखे हैं। एंड बाकी देखते हैं गाइस अपना ये स्वराज भाई कर पाते हैं। ओ भाई साहब पानी देखा था, पूरा ट्रैक्टर ऑलमोस्ट डूब गया था, और आगे बहुत बड़ी वेव है गाइस, क्या अपना ट्रैक्टर सरवाइव करेगा? अरे भाई साहब गाइस यहाँ पे आपने देखा भाई अपना ट्रैक्टर ऑलमोस्ट पूरा डूब गया था, पर फिर भी पार कर गया भाई। तो गाइस इसी बात पे जाकर फटाफट से लाइक करो यार अपने ट्रैक्टरों के लिए भाई, देख रहे हो भाई बहुत मजा आने वाला है गाइस अपने ट्रैक्टर से, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक चैलेंजेस करने वाला हूँ आगे, और वो मैं तब करूंगा अगर इस वीडियो का मैं जो लाइक एम रख रहा हूँ वो अगर कंप्लीट होता है। और इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ गाइस 1000 लाइक का, अगर 1000 लाइक इस वीडियो का कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं जो है भाई अपने इंडियन ट्रैक्टर को जो है भाई और भी चैलेंजेस हम करेंगे इनसे। फिलहाल तो अभी इस चैलेंज की बात करते, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो अपना स्वराज है गाइस काफ़ी बढ़िया से भाई अपना पूरा का पूरा यहाँ पर चैलेंज कर चुका है, मतलब मानना पड़ेगा ट्रैक्टर भाई सही में बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब देख रहे हो भाई ट्रैक्टर पूरे के पूरे पानी में डूब के भाई निकल के आ रहे हैं, सोचो यार गाइस
बाकी देखते हैं अगला ट्रैक्टर कर पाता है नहीं। तो गाइस जो अपना अगला ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना स्वराज का 855 और ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वाला है, मतलब देख सकते हो इसमें काफी खतरनाक मॉडिफिकेशन करी गई है और इवन इसका जो इंजन है वो मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा कस्टमाइज लग रहा है। तो देखते हैं भाई जो अपना मॉडिफाइड वाला ये स्वराज है वो कैसा करता है। ये चला गया जो अपना स्वराज, वो भाई क्या जा रहा है यार, इन लोगों के लिए पानी वानी कोई मैटर नहीं करता है और स्पीड बम में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाई देख सकते हो भाई जो अपना स्वराज भाई क्या ही जा रहा है जबरदस्त यहाँ पे, और पानी देखो यार, अरे पानी वानी तो इनके लिए भाई नॉर्मल लग रहा है मेरे को। क्या गाइस इन ट्रैक्टर से मेरे को एक जो है स्पेशली वाटर वाली वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग कमेंट में बताना कि इनका वाटर टेस्ट करना चाहिए या नहीं। वैसे यहाँ पे वाटर टेस्ट हो रहा है बट ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब एक होता है ना, मतलब इसमें स्पीड बम भी इंक्लूड है बट हम एक प्योर वाला जो वाटर टेस्ट है ना वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और देखेंगे भाई अपना जो कौन सा ट्रैक्टर है मतलब कितने ज़्यादा पानी को सर्वाइव कर पाता है। एंड फिलहाल तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइस जो अपना भाई स्वराज का 855 है वो भी भाई अपना चैलेंज यहाँ पे पूरा कर चुका है। तो मेरे को अब ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे के सारे ट्रैक्टर आज के जो अपना चैलेंज है वो करने वाले हैं, बट फिलहाल तो अभी गाइस कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं कौन कौन सा कर पाता है। तो गाइस जो अपना अगला ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना महिंद्रा का अर्जुन नोवो, एंड देखते हैं भाई ये कैसा करता है। तो ये चला एंड ओ भाई साहब यहाँ पे बीली बीली मार रहा है भाई ट्रैक्टर, तो पूरा स्टंटबाजी कर रखे दिखा रहा है यहाँ पे। और ओ हो भाई पानी वानी तो इनके लिए कुछ नहीं है यार, मामूली बात है, पानी में तो दिन रात खेलते हैं गाइस भाई, अपने ट्रैक्टर तो पानी में दिन रात खेलते हैं। एंड देख सकते हो यार भाई क्या ही बताऊँ, क्या ओपी जा रहे हैं भाई, मेरे को लगा था इनके लिए इतना पानी। ओ भाई यहाँ पे देखो पूरा ट्रैक्टर डूब गया, पर फिर भी देखो अगला वाला देखो पानी कितना ज़्यादा है। एंड देखते हैं ओके महिंद्रा का अर्जुन यहाँ पे सर्वाइव कर चुका है और आगे से उठ उठ जा रहा है गाइस अपना ट्रैक्टर यहाँ पे, बट फिर भी चल रहा है। ओके हल्का सा यहाँ पर चढ़ने में दिक्कत आ रही है भाई महिंद्रा अर्जुन को, बट ट्रैक्टर हार नहीं मान रहा है। एंड देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जा रहा है, ऑलमोस्ट पहुँच गए हम। और चलो फाइनली गाइस अपना जो महिंद्रा का भैया अर्जुन है उसने भी गाइस कमाल करके दिखा दिया है। एंड बाकी देखते हैं अगला ट्रैक्टर कर पाएगा या नहीं। तो गाइस अपना जो अगला ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना अगेन स्वराज का 855, बट ये नॉर्मल वाला है। एंड देखते हैं यहाँ पे ये वाला ट्रैक्टर क्या कमाल करता है। ये चला गाइस अपना ट्रैक्टर यहाँ पे, ओ भाई क्या ही जा रहा है यार, और उनके टायर देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं यार, मतलब काफ़ी सही दिख रहे हैं गाइस। एंड आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को भाई ये वाली जो वीडियो का आइडिया रहा है वो कैसा लगा है गाइस। ओ नहीं गाइस ये में क्या, अरे यार 855 FE तो यहाँ पे बंद पड़ चुका है, ये कैसे हो गया गाइस यार, ये मेरे को नहीं समझ में आया कि ये ट्रैक्टर यहाँ पे क्यों बंद हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो लिटरली जो अपना ट्रैक्टर है इसके इंजन में पानी जा चुका है, मेरे को नहीं पता कैसे गया क्यों गया। बट यार गाइस यहाँ पे अपना स्वराज का जो 855 नॉर्मल वाला है यार वो यहाँ पे गाइस फेल हो चुका है, तो इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट अभी हम इसमें गाइस कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गाइस जो अपना अगला ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना HMT का भैया 5911, और इसके पीछे भाई अपने सिद्धू पाद जी की भाई फोटो लगी है, एंड काफ़ी बढ़िया भाई गाने बनाते थे अपने सिद्धू पाद जी। एंड बट गाइस सैडली यार वो अभी अपने बीच में नहीं है, आप सभी को सीन पता ही होगा भाई, काफ़ी गंदा सीन हुआ था। एंड बाकी बात करते हैं भाई अपने ट्रैक्टर की, तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो अपना HMT है भाई यहाँ पे पानी को क्या चीर तो वो आगे बढ़ रहा है, काफ़ी बेहतरीन एंड लाजवाब प्रदर्शन। ओहो भाई ये ट्रैक्टरों के लिए भाई नॉर्मल है, बट मेरे को पता नहीं ये समझ नहीं आया कि स्वराज 855 यहाँ पे भाई कैसे बंद हो गया यार, वो चीज़ गाइस मेरे को समझ नहीं आई। एंड आगे पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं क्या होता है। ये चला गाइस अपना ट्रैक्टर यहाँ पे, ओहो भैया उठ गया था, बट ट्रैक्टर जो है गाइस देख सकते हो भाई काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे जा रहा है अपना HMT, और ट्रैक्टर भी देखो यार काफ़ी बढ़िया बनाया है जिसने भी बनाया, मतलब बहुत कूल है, और भाई डबल साइलेंसर लगे हैं उसमें और पीछे फुल म्यूजिक सिस्टम है। अभी पता नहीं भाई इसका म्यूजिक सिस्टम वर्क भी कर रहा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भाई ट्रैक्टर पानी के अंदर से डूब के आया, तो शायद पता नहीं काम करेगा भी नहीं करेगा। एक काम करते इसको थोड़ी देर धूप में सुखा लेते हैं, पता लगा भाई म्यूजिक सिस्टम भाई अपना इतना महंगा वाला खराब हो जाए। बाकी गाइस देखते हैं अपना जो अगला ट्रैक्टर है वो यहाँ पे कर पाते हैं नहीं। गाइस जो अपना अगला ट्रैक्टर है वो अपना फॉर्मेट इसका 60, एंड बाकी भाई ट्रैक्टर काफ़ी खतरनाक दिख रहा है, टायर देखो इसके कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो लेके चलते हैं इसको और देखते हैं ये अपना आज का चैलेंज कर पाते नहीं। ओ भाई साहब ट्रैक्टर चल पड़ा है यहाँ पे, और भाई इसकी स्टीयरिंग व्हील भी देख सकते हो, मतलब जो स्टीयरिंग है गाइस वो भी यहाँ पे कस्टमाइज लगा रखे हैं भाई इन ट्रैक्टर के अंदर। और ये चला, अरे भैया पानी वानी तो इनके लिए नॉर्मल है यार, भाई क्या जा लाजवाब करते हुए जा रहे हैं, ये देखो पानी देख रहे हो इतना ज़्यादा, ट्रैक्टर पूरा डूब जा रहा है बट फिर भी निकल जा रहा है भाई, यही तो खास बात है गाइस इन ट्रैक्टरों की। और पानी इस बार बहुत ज़्यादा है बट फिर भी देखो भाई अपना ट्रैक्टर क्या निकल के आया गाइस। एंड देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब थोड़ा सा क्लाइंबिंग में इनको दिक्कत आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपको पता ही है कि इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती ना इसीलिए, बट हाँ
नो डाउट स्लो चढ़ेंगे बट चढ़ जाएंगे, ठीक है, ये तो पक्का है चढ़ जाएंगे। एंड देख सकते हो गाइस अपना ये वाला जो ट्रैक्टर है वो भी भाई अपना आज का जो चैलेंज है वो यहाँ पे कर चुका है, एंड बाकी देखते हैं अगला ट्रैक्टर कर पाते हैं नहीं। गाइस अभी बात ये इस ट्रैक्टर की, और इसका नाम यार बड़ा अजीब है, मेरे को लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसका नाम है मैसी, मैं मैसी बोल दूंगा तो आप लोग समझ आना, मैसी 385 है ये, और ये शायद से जर्मन कंपनी का ट्रैक्टर है। एंड देखते हैं जर्मन कंपनी का ट्रैक्टर कैसा करता है। ओके इसके तो टायर आप देखो भाई, आगे वाले टायर इतने बड़े हैं ना कि ये तो कहीं फंसेगा ही नहीं यार, बहुत इजीली हर जगह से निकल जाएगा। गाइस देख सकते हो यहाँ पे भाई ये ट्रैक्टर तो क्या कमाल करते हुए जा रहा है। देखो पानी वानी तो इनके लिए नॉर्मल है, और स्पीड बम तो भाई क्या ही बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं आनी है इनको ग्राउंड क्लियर की, क्योंकि ऑलरेडी ये भैया इतने खतरनाक स्टंटबाजी करते रहते हैं मतलब। एंड देख सकते हो गाइस भाई अपना जो 385 है काफ़ी सही जा रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा यहाँ पे भाई है कि इनको क्लाइंबिंग में हल्की सी प्रॉब्लम आती है, और वो इसीलिए आती है कि इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, बट हाँ पावर बहुत होती है। भले ये स्लो स्पीड में चढ़ेंगे बट हाँ ये पक्का है कि हाँ चढ़ जाएंगे गाइस, मतलब कोई सी भी चढ़ाई चढ़ा दो इनसे भाई आराम से चढ़ जाएंगे अपने सारे के सारे ट्रैक्टर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ट्रैक्टर चढ़ पाता है नहीं, मतलब कर पाते हैं नहीं। तो गाइस अपना अगला ट्रैक्टर है सोनालिका का भाई DI-60, एंड ये वाला ट्रैक्टर यार सही में काफ़ी कूल दिख रहा है भाई, सारे ट्रैक्टर तो मतलब बहुत अलग लग रहा है मेरे को, और वो इसलिए है क्योंकि इसके टायर वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम होता है ना प्रीमियम से लग रहे हैं। एंड बाकी म्यूजिक सिस्टम तो भैया सारे के पीछे मतलब बढ़िया वाले लगे हैं, मतलब गाने वाने सुनने हो तो खतरनाक ही आवाज़ आने वाली, मैंने टेस्टिंग करी नहीं है बट हाँ मेरे को लग रहा है काफ़ी बढ़िया आवाज़ आएगी इनके पीछे से। और देख सकते हो गाइस भाई इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ यार, आप खुद ही देखते जाओ, देख रहे हो इनके लिए पानी वानी तो भाई एकदम नॉर्मल है, देख रहे हो इतना सारा पानी है कि यहाँ से भाई गाड़ी शायद ही मतलब अपनी जो कार होती है ना वो शायद ही निकल पाएंगी, बट ये ट्रैक्टर देख रहे हो भाई सारे के सारे कर गए हैं। आई थिंक से बस एक ही ट्रैक्टर नहीं कर पाया, मेरे को नहीं पता भाई वो क्यों नहीं कर पाया। वैसे अपना स्वराज का 855 काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है, बट हो सकता है कोई टेक्निकली इशू के कारण वो बंद हो गया हो, मतलब वैसे पॉसिबल मेरे को लग नहीं रहा है, बट अब जो कुछ है गाइस आप लोग के सामने है। एंड बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना सोनालिका भी गाइस जो है वो कर चुका है, देखते हैं अगला क्या करता है। तो गाइस जो अपना अगला ट्रैक्टर है वो है गाइस अपना फोर्ड का, और देखते हैं भाई ये वाला ट्रैक्टर यहाँ पे कर पाते नहीं। एंड बाकी यार गाइस जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोग यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ मेरे को कमेंट में बताना जरूर थे कि आप लोग को वीडियो का जो मेरा आइडिया रहा है वो यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़िया लगा है, और क्या आप लोग आगे भी ऐसे ही मतलब अपने इंडियन ट्रैक्टर की वीडियोस देखना चाहोगे या नहीं, तो आप लोग कमेंट में करना ज़रूर से गाइज, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। एंड बाकी देखते हैं फोर्ड यहाँ पे कैसा जाता है। वैसे ये ट्रैक्टर काफ़ी स्लो है बट हाँ भाई ये ट्रैक्टर ना काफ़ी पुराना है, मेरे को याद आ रहा है ये ट्रैक्टर बहुत पुराना है, ठीक है, बट पावरफुल बहुत है भाई, जितना पुराना होता है ना उतना ही पावरफुल होता है, और देख सकते हो स्लो बहुत है ये ट्रैक्टर, बट देखते हैं क्या होता है। ओके पानी में भी थोड़ी सी इसको दिक्कत आ रही है, शायद ये पुरानी टेक्नोलॉजी का ना इसीलिए, बट देखते हैं क्या होता है। ओके ओके यहाँ पे भी सरवाइव कर गया गाइस, और ये लास्ट वाटर बैठा है। ओके इसकी शायद किस्मत अच्छी है कि इस बार पानी की लहर नहीं थी यहाँ पे, और इसीलिए काफ़ी इजीली निकल गया। एंड अभी देखते हैं चढ़ पाते हैं नहीं गाइस। ओके भाई चढ़ रहा है अपना ट्रैक्टर यहाँ पे, काफ़ी स्लो डाउन स्पीड से चढ़ रहा है। ओहो नहीं 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 गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अपना जो फोर्ड का भाई 3600 है वो यहाँ पे चढ़ने में दिक्कत दे रहा है। ओके थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अब इसको ना ट्रिक से चढ़ाना पड़ेगा, बट हाँ मेरे को इतना पता है ये चढ़ जाएगा भाई। इसके आगे देख रहे हो यार, आगे जाली पे देख रहे हो भाई, उसका लोगो बना है कौन सा, मस्टैंग का मतलब फोर्ड, हाँ फोर्ड का ही है, फोर्ड का जो ट्रैक्टर है फोर्ड का ही होगा ना लोगो, बट वो ओके ओके सॉरी सॉरी जैगुआर का है भाई, जैगुआर का लोगो लगा है ट्रैक्टर पे, देख रहे हो भाई ट्रैक्टर फोर्ड का है और लोगो लगा है जैगुआर का, वाह ये क्या सीन है भाई। एंड बाकी देख सकते हो गाइस मैंने बोला था ये ट्रैक्टर भले ही स्लो चढ़ते हैं बट हाँ चढ़ हर जगह जाएंगे, कोई सी भी जगह आप चढ़ा दो। एंड बाकी देख सकते हो गाइस अपना ये ट्रैक्टर भी यहाँ पे कर चुका है, तो अभी लास्ट ट्रैक्टर बचा है गाइस उसको भी लेके आते हैं और देखते हैं वो कर पाते हैं नहीं। तो गाइस ये अपना आखिरी ट्रैक्टर है, और ये है भैया अपना हॉलैंड का 3630, और मैंने पता नहीं इसका नाम सही प्रोनाउंस करा है नहीं, मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग उसको भाई इग्नोर कर देना। एंड बाकी देख सकते हो यहाँ पे जो अपना हॉलैंड है वो यहाँ पे भाई काफ़ी ज़बरदस्त जा रहा है, ठीक है, और देख सकते हो यार भाई काफ़ी सही दिख रहा है, और इसके पीछे ओके इसके पीछे म्यूजिक सिस्टम छोटा वाला लगा है, बट शायद थिंक आवाज़ आवाज़ सही आती होगी, हमें गाने नहीं सुनने हैं भाई, कॉपीराइट आ जाएगा गाइस यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे ये वाला भी ट्रैक्टर जो है अपना वाटर को तो काफ़ी इजीली सरवाइव कर रहा है, अभी देखते हैं ये क्लाइंबिंग कैसी करता है। ओके इस बार पानी की लहर काफ़ी कम थी बट आगे बहुत बड़ी पानी की वेव आ रखी है। ओके यहाँ पे भी सरवाइव कर चुका है, और देख सकते हो गाइस अपना ये ट्रैक्टर जो है
काफी सही जा रहा है, मतलब बाकी ट्रैक्टरों की तरह नॉर्मल चल रहा है, बस हाँ फोर्ड से तो बेटर है। मतलब फोर्ड का ट्रैक्टर ने काफी प्रॉब्लम करी थी, बट स्टिल वो चढ़ गया था और अपना चैलेंज भी कर चुका है। और अपना जो न्यू हॉलैंड है गाइस, ये भी यहाँ पे जो है अपना आज का चैलेंज गाइस यहाँ पे पूरा कर चुका है। एंड बाकी आज गाइस अपने सारे के सारे ट्रैक्टर बस कर ही गए, बस एक ही ट्रैक्टर नहीं कर पाया, तो उसके लिए गाइस हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, एंड उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी गाइस मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।